यूपी के खास जिला गाजीपुर में है और गाजीपुर जनपद का एक ऐसा गांव जहां पे पुल बन रहा है और पुल इसलिए चर्चा है कि यहां पुल जो है गांव वालों के सहयोग से चंदा के माध्यम से ये पुल बन रहा है। एक बड़ी बात है, हर जगह पे पुल बनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं टेंडर पास किया जाता है, लेकिन ये गाँव का एक ऐसा दृश्य है जहाँ पुल गाँव के सहयोग से ये चंदा लगाकर बनाया जा रहा है। आखिरकार क्या इसी क्षेत्र के विधायक सांसद या फिर देखा जाए तो इसी पड़ोसी जो है जोहराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर है जो मंत्री है और इसी के बगल में देखा जाए तो ये पड़ता है जो है सांसदी बलिया का जहां से सनातन पड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए तो विधायक सांसद किसी का जो है सहयोग नहीं है और ना ही कोई सरकारी फंड की यहाँ कोई व्यवस्था है। ये पुल जो बन रहा है ये चंदा लगा कर बन रहा है, क्यों बन रहा है, चंदा लगाने की वजह कहाँ से हुई और क्या वजह रहा है साहब बात करेंगे, क्योंकि ये ग्रामीण है, ये सभी लोग इसी पड़ोसी गांव के हैं और सब लोगों ने इस पुल को बनाने का एक जो है माध्यम सुना और किस तरह से लोगों को बीच में उपस्थित होकर कैसे जो है चंदा इकट्ठा करके पुल निर्माण किया जा रहा है। आइए सीधे बात करते हैं, क्या नाम है? रमाकांत यादव, बासदेपुर पड़ोसी गांव बासदेपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये पुल बड़ा चर्चा में है और पुल ग्रामीणों के सहयोग से सुनने में आ रहा है कि बन रहा है? जी, ग्रामीणों के सहयोग से ही बन रहा है, चर्चा में इसलिए है कि आजादी से लेकर के आज तक यहाँ जो है इस पुल के न रहने के कारण साधन विहीन रहे लोग, इस क्षेत्र के लोग, इस गांव के लोग। ये इस पुल से कम 50 गांव की आबादी जुड़ी हुई है। जनपद मुख्यालय यहां से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। इस पुल के न होने से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहां इंटर कॉलेज यहां से 1 किलोमीटर पे है। इस पुल के न होने से 15 किलोमीटर घूम करके बच्चे आते हैं। डिग्री कॉलेज यहाँ से 18 किलोमीटर पर है। इस पुल के न होने से 40 किलोमीटर घूम करके बच्चों को जाना पड़ता है डिग्री कॉलेज की में शिक्षा ग्रहण करने। इस पुल के न होने की वजह से थाना 4 किलोमीटर पे है। इस पुल के न होने की वजह से अगर गांव में कोई अनहोनी हो जाए तो 15 किलोमीटर घूम करके थाने को आना पड़ता है। इस गांव में अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को घंटों लग जाएगा आने में, 2-2 क्रॉसिंगों का सामना करना पड़ेगा। यह गाँव दो नदी के दो भाग में बटा हुआ है। अच्छा। एक भाग इधर है और दूसरा भाग उधर है। यहाँ वहाँ उस गांव के लोग राशन के लिए इस गांव में आते हैं, कयामपुर छावनी में आते हैं चकिया गांव के लोग। प्रधान से मिलना होता है तो कयामपुर में जाते हैं लोग। अच्छा। इस नदी को देखिए, नदी का एक बार हम चाहेंगे अपने कैमरा के माध्यम से, ये नदी है, इतना बाढ़ के पानी में कल के डेट में अगर राशन बटेगा तो महिलाएं बच्चे कैसे लेकर कैसे आएंगे राशन लेने के लिए। 500 मीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में तय करना पड़ेगा इस गांव। अच्छा। के ही लोगों को। हाँ, अब देखिए इतनी बड़ी जो है ये जो सुविधा है, इस सुविधा पर किसी का नजर नहीं है कि ये जो है दूरी जो तय करके अगर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूरी पर जो है इन लोगों का सुविधा मिल जाता है, जबकि वही जो है 15 किलोमीटर या फिर बता रहे कि 40 किलोमीटर का दूरी सफर करते हैं तो पहुंचते हैं अपने जिला मुख्यालय पे। इतना बड़ा दूरी, जबकि उसी बीच में एक माध्यम है कि ये पुल अगर बन जाए तो उन लोगों को एक साधन होगा, समय का बचत और दूरी का बचत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो है समस्या पड़ा है, क्या सांसद विधायक क्षेत्र में है उन लोगों ने इस बात को अपने संज्ञान में नहीं लिया? देखिए, संज्ञान में लिए लोग। अच्छा। लेकिन मिला आश्वासन। क्या मिला आश्वासन? मिला। अच्छा। हाँ, बनवा देंगे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तंग आकर के जनता ने इस तरह का कठोर फैसला लिया है। इस पुल में करीब करीब लगभग करोड़ों रुपया लगेगा। अच्छा। हाँ, ये करोड़ों रुपए चंदा के ही माध्यम से। हाँ, चंदा के माध्यम से, करोड़ों रुपया चंदा के माध्यम से ही लगेगा इस पुल को बनाने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई इस गांव के ही कालिका यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जी जो इतनी क्षेत्र की भीषण समस्या को ध्यान में रख करके। कालिका भैया आइए, इधर आप आइए, देखिए हैं आए, समस्या को ध्यान में रख करके इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया जनता की समस्या को ध्यान में रख करके। लेकिन वो लोग बेचारे आश्वासन पे आश्वासन देते रहे और हम लोग सुनते रहे, तंग आकर के इस तरह का फैसला लेना पड़ा। इस क्षेत्र में हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस क्षेत्र के सभी भट्ठा वालों को। अच्छा। जिन लोगों ने अपना एक टाली दो टाली जिसका जितना सहयोग रहा सहयोग करके ईंट देने का काम किया, जिसके पास जो रहा। हाँ, प्रधान चाहे क्षेत्र के बहुत सारे लोग, पुल बन जाने के बाद सबका नाम पटल पे रख दिया जाएगा, सबने चंदा करके आज इस मुकाम पे अब तक कम से कम 40 से 45 लाख रुपया इसमें लग चुका है। अच्छा। हाँ, और अभी करीब करीब 60 लाख रुपया लगने का उम्मीद लगेगा संभवतः। इसको भी जनता बेहिचक खुशी मन से अपना देने का कार्य कर रही है। अब क्षेत्र के विधायक का जो है आज पुल का काम जो है 25 फरवरी 2024 को माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी के कर कमलों द्वारा यहाँ भूमि पूजन का काम हुआ, हाई कोर्ट उनके द्वारा हुआ। उन काम 6 महीना 7 महीना कितना महीना हो गया, लगभग 6 महीना से वर्क चल रहा है। आज जो है माननीय विधायक मन्नू अंसारी जी के द्वारा 1 लाख रुपए का अनुदान आया है। हम
1 लाख रुपए का अनुदान आया है इसके लिए, हम अपने तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं। हम चाहेंगे कि उसी तरह से किसी भी दल के, किसी भी पार्टी के, किसी भी जो जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक सेवक हो, सभी लोग इस तरह का सहयोग करें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, बच्चों की समय से पढ़ाई हो सके, हर सुख सुविधा का हम या इस क्षेत्र के उपेक्षित लोग भी लाभ ले सकें। आपसे जानकारी चाहिए, पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम कालिका यादव। अच्छा, लोग आपको बड़ा भूमिका मानते हैं कि आपके इस अगुवाई पर जो है लोगों ने एक उम्मीद जताई और आपके साथ सब चल पड़े। यहाँ के सभी लोग, सभी जनता, माने आने जाने में इतनी सबको दिक्कत हो रही थी। अच्छा, ये कम से कम 40 साल से हम लोग विधायक से, मंत्री से, एमपी से, अच्छा, कहते रह गए। सब लोग यही माने कहते रह गए कि अच्छा ठीक है, इस बार बनवाएंगे, इस बार माने बनवाएंगे, लेकिन बन नहीं पाया। तो अब हम लोग कहते कहते एकरा बाद अब अपने आप को फैसला लिया गया। अच्छा, जनता माने क्षेत्र के लोग कहे कि हम भी माने सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे, सभी लोग कहे, एकरा बाद हम लोग मिलकर अपना जो है कि फैसला लिए, काम शुरू करा दिए। काम शुरू होने पर इसके बाद जो है कि हम लोग के क्षेत्र के विधायक मनु अंसारी ने आए और 1 लाख रुपए का अनुदान दिए और कहे कि मेरे भाई हम आप लोग के साथ हैं और सहयोग करेंगे। राम नरन सिंह मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने यहाँ के MLA साहब लोग हैं, MP साहब लोग हैं, वो लोग मदद करें, ये पुल को बनाने के लिए मदद करें, ताकि हम उनका आभारी रहें और हमको मदद मिले ताकि हम लोग बनाएं। वैसे हौसला हमको है कि हम लोग बनाएंगे और बना के रखेंगे। चलिए, क्या नाम है? रमेश यादव, इंदिरा आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब चंदा लगाकर ये पुलवा निर्माण किया जा रहा है? इससे पहले जो है कोई सांसद विधायक के कानों तक ये बात नहीं सुना? अरे भाई साहब, आपके चैनल को आपको धन्यवाद देते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ की मूल आवश्यकता हमने संविधान में पढ़ा है कि शिक्षा और दवा इस इलाके के लिए वंचित है। अब सोचिए कि 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर यदि क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो घंटों लग जाता है। अच्छा, जो कि 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर गाजीपुर यहाँ से है और सारी सुविधा जो हमको गाजीपुर से ही मिलती है। यहाँ के लोग आने जाने के लिए बहुत कठिनाई करते हैं और हम लोग के बाबा दादा भी बहुत जिल्लत करे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आप नदी के भी आप देख लीजिए कि कैसे लोग आते जाते हैं, किस तरह से भाव है। बाहर सरकार और बाहर यहाँ के प्रतिनिधि हम लोगों देते देते वो थक गए। कलिका भाई शेखर जी को बुलाए और कहे तो हम लोग ने कहा कि बच्चों से, स्कूल से, गांव से, और लगातार 4-5 महीना हो गया मैं कलिका भाई के साथ और अन्य लोग और लोगों को लेकर चंदा मांगने में हमेशा, जिससे कभी हमने हाथ नहीं पसारा है, लेकिन आज पुल के लिए, जनता के लिए, इस इलाके के लिए मैं हमेशा चाहता हूं कि इस इलाके का वृद्धि हो और किसी तरह से पुल बन जाए कि यहाँ की जनता और बच्चे बच्चियां पढ़ लें। बच्चे तो कहीं चले जाते हैं लेकिन बच्चियां जाने में अभी दिक्कत होती है। यहाँ कहीं इंटर कॉलेज साइंस नहीं है, 3 किलोमीटर बाद नदी के उस पार है, 2 किलोमीटर पर बाद है, लेकिन बच्चियां जा नहीं पाती हैं, पढ़ाई से वंचित हो रहती हैं। डिग्री कॉलेज आपका यहाँ बगल में है बाबा रामदेव 3 किलोमीटर पर, और नदी के न रहने, नदी में पुल न रहने के कारण वहाँ जा नहीं पाती हैं बच्चियाँ। बच्चे तो पौर सौर कर किसी तरह से चले जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे चाहूंगा कि धन्यवाद आपके माध्यम से सब कुछ अवगत कराएं कि बहुत समस्या तब होती है जब रात में किसी माँ को, किसी बहन को जब डिलीवरी का हो जाता है। आप समझ जाइए कि बताए ना कि 18 किलोमीटर पे है जनपद, तो चुनाव आता है, सांसद विधायक भी आते हैं प्रचार में, लेकिन फिर भी उन लोगों के बाद जो है कोई उन लोगों के सामने कोई ये बात नहीं रखी जाती है। देखिए, रखी जाती है, हम बताए ना कि आजादी से लेकर आज तक रखते रखते हम लोग थक गए। हाँ, थक जाने के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। जो काम जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, जो काम सरकार को करना चाहिए, वो जनता को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है, जनता को करना पड़ रहा है। जनता यहाँ लेबर का वर्क करती है। अच्छा, हाँ, यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल छोड़ करके आकर के और अपना लेबर वर्क करते हैं कि हमारे लिए, हमको नाव में सवार होकर के जाएं तो रोज जीना और रोज मरना ना पड़े। हाँ, चलिए वो दृश्य देख लीजिए। ये दृश्य है, इस पुल को जो है चंदा के माध्यम से बनवाया जा रहा है और सामने देखिए कैसे लोग उस गांव से, उस क्षेत्र से ये नाव के मदद से आते हैं और एक माध्यम है कि ये अगर पुल बन जाता है तो इन लोगों को काफी समय का बचत होगा, दूरी भी बहुत कम लगेगा और इन लोगों को काफी सुविधाएं भी मिल पाएगा। तो खास ये भी न्यूज इंडिया के साथ में विमलेश कुमार, इस वक्त के लिए इतना ही।